इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपको ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट गेम में प्रॉब्लम आती है, ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट ओपन नहीं हो रहा या फिर ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है या फिर अदर कोई इश्यू आती है, तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, काफ़ी सारे लोगों को ट्रक सिमुलेटर में गेम ओपन नहीं हो रही या फिर ऑटोमेटिकली बंद होती है या फिर गेम काम नहीं करती, इस तरीके की कई सारी इश्यूज आती है। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं कुछ तरीके बताता हूँ जिसे आप ज़रूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले काम आपको ये करना है कि प्ले स्टोर आपको अपने फ़ोन का ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको ट्रक सिमुलेटर अनलिमिटेड सर्च करना है और यहाँ से चेक करना है यहाँ पर कोई अपडेट है क्या। ठीक है, गेम का अगर अपडेट कोई दिखता है तो आप इसे फटाक से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप गेम को अपडेट नहीं कराएंगे तो काफ़ी समय तक अगर आप अपडेट नहीं करवाते तो आपका गेम जो है काम करना बंद कर देता है, क्योंकि पुराना वर्जन होने से हमारे गेम में जो है नए नए फीचर्स ऐड नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, यहाँ से आप अपडेट करवा लीजिएगा अगर आपको अपडेट दिखाता है। इसके अलावा एक और काम करेंगे, हम अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर आने के बाद ऐप्स मैनेजर का ऑप्शन है या फिर ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको आने के बाद जो है ट्रिक सिमुलेटर अल्टीमेट जो गेम है उसे सर्च करना है, फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पर सर्च नहीं कर पा रहे तो ऊपर सर्च वाला बटन भी है, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का या ट्रक सिमुलेटर का गेम है तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको इसके स्टोरेज और कैचे में आ जाना है। ठीक है, किसी फ़ोन में डाटा और कैचे लिखा आता है, किसी फ़ोन में स्टोरेज और कैचे आता है। तो यहाँ से हम इसे क्लियर स्टोरेज कर देंगे या फिर क्लियर डाटा इसका आपको कर देना है, कैचे अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको डायरेक्टली गेम को ओपन नहीं करना है, एक बार अपने फ़ोन को जो है रिस्टार्ट करना है, यानी अपने फ़ोन को एक बार बंद करके चालू करना है। इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम अभी भी फिक्स नहीं हो रही, उस केस में आपको अपने फ़ोन का स्टोरेज भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी गेम बड़ा होने के चलते आपके फ़ोन में स्टोरेज भी अच्छा खासा होना चाहिए। गेम की साइज़ लगभग 1.1 GB के आसपास है, तो इस केस में आपको जो है अपना स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। लगभग आपको 4 से 5 GB तक स्टोरेज फ्री रखना पड़ेगा। अगर आपके पास काफ़ी अच्छा स्टोरेज है तो आपका गेम आराम से रन कर जाएगा, चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।